Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is our lecture number 20, and we are talking about the series solution of differential equations. In last week lectures, we talked about the basic concept related to power series, and then we talked about the series solution of differential equation properly. And then in lecture number 19, we were talking about the ordinary points of the differential equation and the solution of linear differential equation around or above the ordinary points. And today our topic of discussion is series solution about the singular points. In last lecture, we talked about the difference between singular points and ordinary points. One thing I need to make clear over here is that in case of ordinary points, if your equation is having any ordinary points in your differential equation, then a series solution of the differential equation exists. Means that for second order differential equation, two distinct series solution will be existing for your differential equation. But in case of singular points, this case will not be the similar. There will arise different cases, and we have to discuss them as well. And we will be unable to find out the solutions about the singular points. In last lecture, we also talked about the types of or the classification of singular points, and we discussed what are the regular singular points or what are the irregular singular points. So अब बात ये है कि जब हम अराउंड बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की के जिसमें सिंगुलर पॉइंट्स हैं या ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, देन फॉर अ रीकैप लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, तो उसका कोफिशिएंट जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है या सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, वो अगर हमारा नॉन जीरो है उस पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो उस ऑर्डिनरी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, या वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स. और उसके लिए हम सिंपल सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, विच वी वर अज्यूमिंग इन आवर लास्ट लेक्चर दैट y इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n, विच इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज अ मैक्लॉरिन सीरीज अराउंड द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट. अब वो बात आती है सिंगुलर पॉइंट्स की. सिंगुलर पॉइंट्स को कहते हैं इन लेमन लैंग्वेज और इन योर लैंग्वेज, दैट स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें आसान बात कैसे समझ आती है, वो ये कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर जीरो हो रहा है तो वो सिंगुलर पॉइंट है. फिर आगे उसकी दो कंडीशन है कि सिंगुलर पॉइंट क्या था और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है. रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी, जिसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करते थे किसी टर्म को रेशनल फंक्शंस पी एक्स ओवर टू एक्स के साथ, एंड वी वर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस. इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट जो थे उसमें वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती थी, एंड वी वर सेइंग दैट पॉइंट्स आर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अब बात आ गई सिंगुलर और रेगुलर सिंगुलर की और इरेगुलर सिंगुलर की. जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. वेयर एज अगर हम बात करें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसमें इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ गया है, तो वहाँ पे हम उसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. देयर कुड बी एनी अदर वे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट पर्टिकुलरली वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ दैट काइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द इरेगुलर पॉइंट्स आर अराइजिंग. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट्स गिवन इन दिस स्लाइड्स. हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, अगेन रिकैप करते हैं, एंड आई विल सजेस्ट दैट कि आप पिछले लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा से ज़रूर सुन लीजिएगा फॉर योर क्लैरिटी अबाउट द सिंगुलर एंड नॉन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, एंड अबाउट द सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट का डिफरेंस समझने के लिए. ओके, व्हाट आर दे सेइंग दिस, इसको सेक्शन को आप 4.2 को रिव्यू करना है, क्योंकि जब हम सिंगुलर पॉइंट्स के अराउंड सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दूसरा हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ रहा होता है. इसलिए दे आर सेइंग दैट कि आप टॉपिक 4.2 को डिस्कस करें, क्योंकि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है तो उसकी मदद से हम दूसरा सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज यू विल हैव रेड इन रिडक्शन ऑफ ऑर्डर बिफोर स्टार्टिंग द कॉची ऑयलर इक्वेशन. यू कुड मे गो थ्रू योर लेक्चर 15 और 16 इन विच वी टॉक्ड अबाउट द रिडक्शन ऑफ ऑर्डर एंड कॉची ऑयलर इक्वेशन, दैट हाउ टू राइट डाउन द सोल्यूशन सेकेंड सोल्यूशन इफ फर्स्ट सोल्यूशन इज गिवन. क्लियर?
सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दोनों अपेरेंटली देखने में कोई इतना ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है. सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशंस है आपके पास, सिर्फ उसमें टर्म्स एक दूसरे के साथ थोड़ी सी शफलिंग है. एंड जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा और हम पहली इक्वेशन को जिस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम दूसरे को उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते. अब यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये आपके पास है एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. जब आपके पास पहली इक्वेशन है, इसको हम सीरीज सॉल्यूशन की पहली एग्जांपल आई गेस दैट वे हमने यही की थी. जबकि दूसरी इक्वेशन जो है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ बाद में. इसमें देखें, जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी या सिंगुलर पॉइंट की, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वाइल टॉकिंग अबाउट द सीरीज सॉल्यूशन, हमने ये कहा कि एस सीरीज सॉल्यूशन हमें उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है जहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं. अब वेरिएबल कोफिशिएंट पॉलीनोमियल के टाइप के हो सकते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट्स आपके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, एंड सो ऑन. कुड बी एनी वैरायटी ऑफ द फंक्शन कैन अपीयर इन द कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अगर हम पहली इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो वाई डबल डैश के जो फर्स्ट कोफिशिएंट वाई डबल डैश का कोफिशिएंट है दैट इज वन, ठीक है. वन विल स्टे वन थ्रू आउट द रियल नंबर्स, ठीक है. हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पर हमारे पास वन ने वन ही रहना है, इसने चेंज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. सो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में कोई खास डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी. हम सिंपली अज्यूम करेंगे कि लेट वाई इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन, और जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं वी सिंपली गेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं और दो जो हैं वो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है. बिकॉज दिस इज सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, इसलिए हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए. लेकिन जब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें जो कि एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट देखिए आप एक्स है, ठीक है. अब एक्स क्या है, अगर मैं इसको कहूँ कि किस पॉइंट के ऊपर ये जीरो हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये जीरो हो सकता है, ठीक है. और जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने जाऊँ, सो वट विल हैपन डेट वाई डबल डैश का कोफिशिएंट तो वन हो जाएगा, लेकिन y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 ओवर x. और अगर मैं x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करूँ तो दिस विल गिव अस 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर हियर. जब यहाँ पर ये 1 ओवर इन्फिनिटी देगा तो दिस विल मेक आवर इक्वेशन अनडिफाइंड, और यू कैन सी दैट आवर कोफिशिएंट्स वर अनडिफाइंड एंड वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. इट मीन सिंपली टेल्स अस दैट कि x इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा. तो दिस इज द डिफरेंस कि सिंगुलर पॉइंट कैसे अराइज हो रहा होता है और ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे अराइज हो रहा होता है. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू वन है और समथिंग लाइक दैट, वी कैन से एनी थिंग. लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो जो है वो हमारा सिंगुलर पॉइंट बन रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं x की इस इक्वेशन कहाँ पे वाई डबल डैश कोफिशिएंट कहाँ पे जीरो होता है, x इज इक्वल टू जीरो पर. अदर देन x इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन जो है वो हर नंबर के लिए वैलिड है और इसका सॉल्यूशन हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है. या आप कह सकते हैं कि बाकी सारे पॉइंट्स इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, सिर्फ सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू वन इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू टू इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कुड बी द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, वट आर दे सेइंग, ये तो मेरी डिस्कशन है. अब उनका देख लेते हैं कि व्हाट आर दे सेइंग, दैट द टू डिफरेंशियल इक्वेशंस आर सिमिलर ओनली दैट दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, दैट्स इट, ऑल दे हैव इन कॉमन कि ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस हैं. सिंस x इज इक्वल टू 0 इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, या अगर हम x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये इसके हाईएस्ट कोफिशिएंट के डेरिवेटिव हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 नहीं बनाता है. सो x इज इक्वल टू 0 इज द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट उसको 0 ना कर दे, जो कोफिशिएंट को 0 ना कर दे. वी सॉ इन द सेक्शन 6.1 दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द टू डिस्टिंक्ट पावर सीरीज सॉल्यूशंस सेंटर्ड एट दैट पॉइंट इन कंट्रास्ट. Because x is equal to 0 is a singular point of xy double dash plus y is equal to 0. Finding two infinite series, notice that we didn't say that power series, दो infinite series, power series नहीं, x power n नहीं, there could be any other series, ठीक है. Notice that we didn't say that power series, solutions of the equation about the point
that point becomes a more difficult task. The solution method that is discussed in this section does not always yield to infinite series solution. When one solution is found, we can use the formula given in equation number 5 of section 4.2, same reduction of order. ठीक है कि आपने और फार्मूला यूज करना है. अगर आपके पास y1 आ चुका है तो आप क्या करते हो, y2 is equal to y1 का प्रोडक्ट किसके साथ लेते हैं, इंटेग्रल e power इंटेग्रल ऑफ dx y1x dx और y1x होल स्क्वायर. ठीक है, ये आपने करना होता है और आप उसकी मदद से दूसरा सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दैट द इक्वेशन दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द सेकंड सॉल्यूशन इफ वन सॉल्यूशन इज गिवन. आगे सिंगुलर पॉइंट की अगेन डेफिनेशन है, बट पीपल विल कीप द प्रीवियस इन योर माइंड. ये थोड़ा सा रीकैप ही है उसी का. अ सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, ए टू एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई प्लस वाई डैश प्लस ए नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इज फर्दर क्लासिफाइड एज अ रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर. कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो रेगुलर सिंगुलर या इरेगुलर सिंगुलर है, उसको आगे जाके हमें स्टडी करना है. द क्लासिफिकेशन अगेन डिपेंड्स अपॉन द पी एंड क्यू. व्हाट आर पी एंड क्यू? जब हम अपनी इक्वेशन को हाईएस्ट डेरिवेटिव के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो जो वाई डैश का कोफिशिएंट है दैट इज पी ऑफ एक्स, एंड जो वाई का कोफिशिएंट है दैट बिकम्स क्यू ऑफ एक्स. दे आर द रेशनल फंक्शन. अब यहाँ पर हियर आई हैव रिटन दिस simplest type of the definition of a regular singular and irregular singular points, and I've sent you people, and that is also in the last lecture. Please आप उसको go through करें. Anyhow, इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. उसमें मैंने points को ज़्यादा clearly लिखा हुआ है, ज़्यादा understandable language में लिखा हुआ है, so you can understand that in a better way. अब यहाँ पर ये कहते हैं कि a point, a singular point x naught is said to be a regular singular point of the differential equation. अगर px हमारे पास क्या है, पी एक्स को कैसे बनाते हैं, इस पी एक्स के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस एक्स नॉट को. ठीक है, वही कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स. पी ऑफ एक्स किसका कॉम्बिनेशन है, ए वन एक्स ओवर ए टू एक्स का. इसी तरह से क्यू ऑफ एक्स किसका कॉम्बिनेशन है, एक्स माइनस एक्स सॉरी क्यू एक्स किससे बनता है, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स. तो आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर ओवर क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स कहाँ से आते हैं, ए नॉट एक्स ओवर ए टू एक्स का कॉम्बिनेशन है, रेशनल फंक्शन बनता है. आर बोथ एनालिटिकल एट एक्स नॉट. एनालिटिकल का मतलब कि ये अनडिफाइंड ना हो जाए. ठीक है, अनडिटरमाइंड ना हो जाए. ठीक है, हमने इनको इनकी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, अ सिंगुलर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो रेगुलर ना हो वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है. The second sentence in the definition 6.2.1 indicates that if one or both functions p of x, ये वाला function और ये वाला function, इनमें से कोई एक या दोनों ही one, ये दोनों simultaneously undefined हो जाए, means इनका में से कोई infinite limit आ जाए जो हमने पिछले पहले भी discuss किए, या फिर हमारे पास इनमें से कोई एक या दोनों अगर हो जाए zero, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये पॉइंट जो होगा हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट विल बी एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. दिस इज वॉट दैट दे से ऑल अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अगेन आई एम मेकिंग यू पीपल क्लियर ओवर हियर, जब आपके पास कोई पॉइंट रेगुलर सिंगुलर होता है तो उस पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. वाइदर दैट सीरीज सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है या उसके दो हैं, मिनिमम उसका एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका क्या होगा, उसका एक से उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द सीरीज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द गिवन पॉइंट इज एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ओके, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना होता है अबाउट एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो हमारा पिछला जो सीरीज सोल्यूशन के लिए जो हमारी मेथडोलॉजी थी दैट विल नॉट बी हेल्पिंग अस ओवर हियर. हमें यहाँ पर एक न्यू मेथड अडॉप्ट करना है, दैट्स नॉट दैट मच different from the previous one, that's not tricky that much from the previous one, that's almost similar to the previous one, but with a little bit changes, with a little bit more extensions into it. So isko hum kehte hain method of Frobenius. Theek hai, method of Frobenius ya Frobenius method hai ye aapke paas.
with the help of this method, we would be finding out the solution of those differential equations where the singular points are involved. Which kind of the singular points? Irregular singular points. ठीक है, irregular singular and regular singular we have learned in previous lecture. अब यहाँ पर हमारे पास ये है, वो कह रहे हैं बट आर द सेम लाइक इफ x इज इक्वल टू x नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x माइनस x नॉट पावर r एंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. हमने क्या सपोज करना है, हमने इस तरह का सीरीज सपोज करना है. वहां पे हम क्या सपोज करते थे, cn x पावर n. नाउ आवर सपोजिशन विल बी चेंज एंड आवर सपोजिशन विल बी हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस. पॉइंट क्या है, x माइनस x नॉट. अगर ये 0 है तो यहाँ पर ये सिर्फ x रह जाएगा. क्लियर है, अगर यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे x माइनस 1 है. ठीक है, अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ही होगा, जो कि हमने अगले एग्जाम्पल में जाके देखेंगे कि इस हमारे टेक्स्ट में हमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं डील करनी पड़ेंगी, तो हम एक सिंपल टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे होंगे जिसमें x इज इक्वल टू 0 ही सिंगुलर पॉइंट अराइज हो रहा होगा या अपियर हो रहा होगा. y is equal to x minus x naught power r and from 0 to infinity cn x power x minus x naught power n and from 0 to infinity cn x minus x naught n plus r. ठीक है, अब ये वाला सॉल्यूशन जो है, ये हमारी सपोजिशन होगी और इसकी मदद से हम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पर हमारी अननोन्स थोड़े से और बढ़ जाएंगे. पहले हम क्या करते थे, n फाइंड आउट करते थे, cn फाइंड आउट करते थे. अब हमारे पास एक नई टर्म भी आ गई है r, जिसको भी हमें डिटर्मिन करना पड़ेगा. And this will be called the indices or initial equation, something like that. Where a number r is a constant to be determined, the series will converge at least on some interval. इसके दरमियान x minus x naught 0 से r के दरमियान इन radius of convergence के अंदर अंदर जो सीरीज है वो ज़रूर कन्वर्ट जो है हमारी करेगी. सो यहाँ तक तो हम बात करें थोड़ा सा recap करने की. पिछले लेक्चर में हमने बात की ordinary points की और singular points की. हमने देखा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट्स और सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है. ऑर्डिनरी पॉइंट्स हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स होते हैं, हम पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की ही लेते हैं और उसका कोफिशिएंट अगर किसी हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट अगर किसी पॉइंट पे जीरो हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो सिंगुलर पॉइंट है. अगर वो नॉन जीरो रहता है तो हम कहते हैं वो पॉइंट जो गिवन पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है. अगर पॉइंट सिंगुलर है तो उसके आगे हमने देखा ये दो चीज़ें थी कि वो किस तरह का सिंगुलर है, वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है. अगर वो इरेगुलर सिंगुलर है तो सीरीज क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर वो रेगुलर सिंगुलर है तो उसका सीरीज क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा. इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट्स हमने सीरीज क्वेश्चन के लिए जो हमारी अजम्पशन थी वो थी कि y इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n इज द सॉल्यूशन. वेयर एज इन केस ऑफ द पॉइंट वेयर द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स आर एग्जिस्टिंग तो हमारी सपोजिशन क्या होगी, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर n प्लस r. This is how the things would be working. This is how you people will be taking upon the things. अब हम आगे एक दो examples करेंगे जिसकी मदद से हम इस procedure को समझेंगे. Please keep in your mind, this method is not different. This method is not tricky. This method is not different from the other. इसमें सिर्फ एक नई चीज़ आएगी, वो होगी r की value कैसे determine करना है, उसी को आपने समझना है. बाकी आपने ये वही तीन दो तीन चीज़ें हैं कि पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करना है सीरीज़ की, जो हमारी अज्यूम सीरीज़ होगी ये वाली. उसके बाद अगला काम हमें ये करना होता है कि हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या जब हम उसमें स्मॉलेस्ट एन की वैल्यू डालते हैं तो क्या हर सीरीज़ सेम नंबर से स्टार्ट होती है. जो सीरीज़ सेम नंबर से स्टार्ट हो रही होती है उनको एज ए जिसमें टर्म्स ज़्यादा होती हैं उसकी उतनी एक्स्ट्रा टर्म्स हम पहले ही एक्सपेंड कर लेते हैं और उसको उस नंबर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से बाकी सीरीज स्टार्ट हो रही होती है. लेटर ऑन हमारा काम ये होता है कि हम सीरीज़ के इंडेक्सिंग सेम बनाते हैं तो उसके लिए हम हर सीरीज़ के लिए अलग से प्रोसीजर करते हैं कि जो भी एन की एक्स की पावर्स हैं उसको इक्वल टू के लेना है और उसके साथ हमने वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास उसमें से हमने एन को सेपरेट करना होता है. जब हम उसमें से एन को सेपरेट कर लेते हैं तो लोअर इंडेक्स जो सीरीज़ का होता है उसको सब्स्टिट्यूट करें तो वहाँ से जो कि हमारा नेक्स्ट डमी इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू आ जाती है. फिर हम एन की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड वी गेट द सॉल्यूशन. सिमिलर इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू. यहाँ पे जो चीज़ आएगी एक चीज़ वो थोड़ी सी होगी आर एक्स्ट्रा होगा एंड उसको भी हमने देखना है आगे जाके कि दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, दैट्स नॉट अ ट्रिकी. वी विल बी फाइंडिंग आउट इन द सेम वे एज वी वर डूइंग प्रीवियसली. टू सीरीज क्वेश्चन, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
आपके पास ये क्या है, 3xy" + y" - y = 0। वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। हमने क्या करना है, देखिए x इज इक्वल टू जीरो है ना, तो मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पे आपके पास x माइनस एक्स नॉट है ना, तो x माइनस जीरो है तो ये x की पावर n प्लस आर बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू जीरो अगर सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट क्यों है, अगर हमें नहीं भी बताया जाता, इफ दे डोंट गिव अस एनी हिंट और एनी गेस, तो हमने खुद से चेक करना है कि जो x इज, अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट किस पॉइंट पे जीरो होता है, आई नीड टू चेक इट। अगर किसी पॉइंट पे जीरो होता है तो हमने कह देना है कि ये इसका सिंगुलर पॉइंट है, इवन इफ दे डोंट आस्क अस। हमने खुद से देखना है कि मेरा अगर डेरिवेटिव गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट अगर किसी पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो वो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन माइट पॉसिबल एग्जिस्ट ना करे, और माइट पॉसिबल है टू मेक सम चेंजेस ओवर देयर। अगर इरेगुलर है वो बनता है तो फिर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर रेगुलर सिंगुलर है तो देन वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन और अजम्पशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट बन गया, x इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट बन है, दे हैव गिवन बाय देमसेल्फ और वी कैन चेक बाय आवर सेल्फ कि मेरे पास जीरो x, अगर मैं 1/3x करूँ और x माइनस x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1/0, इसने मुझे क्या करना है, 1/ यहाँ पर मैं करूँगी x इंटू 1/x, तो ये x x से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आई नीड टू सेटिस्फाई दोज टू कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। वो जो कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x इंटू 1/x, तो x x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास होगा 1/x, तो इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स स्क्वायर और 1/x, तो हमारे पास x रह जाएगा, उसके जगह पर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनाइट आ जाता है। सो x इज इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उसके अराउंड हम सोल्यूशन एग्जिस्ट हमारा कर रहा होता है, और हम इसके क्या हमारी सपोजिशन होगी, n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n प्लस आर। नाउ y डैश हमारे पास क्या है, n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी n प्लस आर सी एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस 1। इस तरह से y डबल डैश हमारे पास क्या होगा, n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी n प्लस आर माइनस 1, हमने उसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया। एंड देन हमारा अगला काम क्या है कि हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह पर हम y की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एट द प्लेस ऑफ y डैश विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस, एंड एट द प्लेस ऑफ y डबल डैश विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, दिस इज हाउ वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग देम टुगेदर। एंड देन हमने इसको थोड़ा सा रिकम्बाइन करके देख लिया, हमारे पास दो सीरीज ऐसी हैं जहाँ पर n प्लस आर माइनस 1 x की पावर आ रही है, n प्लस आर माइनस 1 हेयर एंड हेयर इज n प्लस आर। इनिशियली तो पहले हम यह करते हैं कि हम इनको कम्बाइन कर लेते हैं, जब हम इनको कम्बाइन कर लेते हैं तो अगला काम हमारा ये होता है कि हमने n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस आर 3n एंड 3r, हमने टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन दिस इज n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n प्लस आर, क्योंकि ये हमने इनको कम्बाइन कर लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया उसमें समेशन को, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी था तो वो कॉमन ले लिया, और x पावर n प्लस आर कर लिया, तो बाकी ये हमारी टर्म्स आ गई रेस्ट। नाउ व्हाट वुड वी सी कि अगर मैंने पहले काम ये होता है कि मैंने जब सीरीज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ पहले, तो मेरे पास x की सेम पावर्स आती हैं नहीं आती, मैंने सब्स्टिट्यूट 0 ओवर हेयर तो मेरे पास क्या बनता है, सी नॉट एक्स पावर 0 इंटू आर माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर r माइनस 1 है, और यहाँ पर देखते हैं तो n इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर r है, ठीक है। एंड देन व्हाट आई नीड टू डू कि मैंने इसको क्या करना है, n इज इक्वल टू 0 के लिए मैं इसको थोड़ा सा इसको कर दूँ मैं एक्सपेंड, तो व्हाट विल हैपन, x पावर r जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर भी x की पावर r है इधर x पावर r है, सो आई टुक x पावर r इज़ ए कॉमन। रिमेनिंग टर्म्स मेरी कुछ इस तरह से हैं, मैंने जब n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये n ये माइनस 1 है, और जब मैं n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये 0 है, तो आई ओपन और आई एक्सपेंडेड द फर्स्ट टर्म, और ये मेरी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, n इज इक्वल टू 1 से, ये वाली सी एक्स का पावर r में कॉमन ले चुकी हूँ, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n प्लस आर 3n प्लस 3r माइनस 2 cn x पावर n माइनस 1, r वाली टर्म्स हम बाहर कॉमन ले चुके हैं,
यहाँ पर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इस सीरीज को हमने एज इट इज लिख लिया। लेटर ऑन हमने वही काम करना है, वी आर हैविंग टू सीरीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n माइनस वन को इक्वल टू k लेंगे, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, k प्लस वन, और उसमें हम n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, और n इज इक्वल टू, यस n इज इक्वल टू 2 आएगा। और उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपने n की वैल्यू जो भी आपके पास आई थी, n की वैल्यू आई आपके पास k प्लस वन, तो n की जगह पे k प्लस वन लिखेंगे तो k प्लस r प्लस वन, एंड दिस इज 3, एंड यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करें एंड देन माइनस वन है, ये प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टू था तो यहाँ पे प्लस वन रह जाएगा क्योंकि 3 जब उसके साथ के प्लस वन जाएगा तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 के प्लस 3 3 आर। देन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन, हम अपनी दूसरी सीरीज के लिए वही काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, एन को इज इक्वल टू के, और हमारे पास सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फिर एन इज इक्वल टू के की, के इक्वल टू जीरो रखें, एन को इक्वल टू जीरो रखा, के इज इक्वल टू जीरो आ गया, हमारी सीरीज स्टार्ट होगी के इज इक्वल टू जीरो से। यहाँ पे भी हमने सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, के इज इक्वल टू जीरो से। सो एक्स की पावर फिर हमने वही काम वी वर डूइंग प्रीवियसली, वही काम हम यहाँ पर करेंगे और एक्स की पावर हमारे पास के के फॉर्म में आ गई। लेकिन प्लीज़ नोटिस दैट कि ये जो एक्स पावर आ रहा है, दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ऑल दीज सीरीज, ठीक है, जबकि ये जो सीरीज़ है, ये वाली जो टर्म है, इसमें हम कोई सीरीज समेशन नहीं आ रही, रिमेनिंग वर्क इज़ बीइंग डन ओवर हियर, बाकी काम जो यहाँ पर हो रहे हैं, तो एक्स पावर के भी यहीं से कॉमन आएगा। अब अगली चीज़ जो है वो हमारी क्या है, हम इसी से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी पहले क्लियर करते हैं कि अब हमारे पास इक्वेशन किसका प्रोडक्ट है, एक्स पावर आर का और इस सारी का। सिंस एक्स पावर आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हम क्या कहेंगे, ये सारी इक्वल टू जीरो है पहली स्टेज पर। जब हम पहली स्टेज पे इसको कहेंगे कि ये सारी इक्वल टू जीरो है, तो इसमें भी अब दो टर्म्स ऐड हो रही है, एक ये वाली और एक ये सीरीज वाली। इसमें हम इसको तो कह देंगे दिस इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो, तो ये किस आर इंटू थ्री आर माइनस टू सी नॉट एक्स पावर माइनस वन इक्वल टू जीरो लिख देंगे। फिर हम कहेंगे एक्स पावर माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये इक्वल टू जीरो है, इसमें से फिर हम आर को सेपरेट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमारा आ जाएगा, उसमें हम कहेंगे एक्स पावर के कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो बाकी ये हमें वही वाला रिलेशनशिप देगा जो कि रेफरेंस रिलेशन हम पहले से देख रहे होते हैं। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन वैसे ही बन गई, आर इंटू थ्री आर माइनस टू सी नॉट इक्वल टू जीरो, और ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई, बिकॉज नथिंग इज गेन बाय टेकिंग सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम सी नॉट को इक्वल टू जीरो रखें या इसकी वैल्यू हम ना लें, तो वी मस्ट बी हैविंग, तो हमारे पास आता क्या है, थ्री आर इंटू वैसे सी नॉट इक्वल टू वन लेंगे आप, जिन्होंने जीरो वैसे बाय मिस्टेक कह सकते हैं, यू पीपल विल बी टेकिंग सी नॉट इक्वल टू वन, या वो ये कह रहे हैं कि सी नॉट कैन बी इक्वल टू जीरो एंड दिस होल टर्म कैन बी इक्वल टू जीरो आइडेंटिकली। तो हमारे पास क्या आता है, आर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, और सी के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है कॉन्स्टेंट्स के लिए, वो हमारे पास कुछ ये वाला बनता है। अब यहाँ पर देखें, के की वैल्यू तो हमें मिलती है 0, 1, 2, 3 सीरीज से, ये आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो आर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, एक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगी, 3r² - 2r। इसको भी आगे जाके हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आर जो है हमारे पास, तो आर का आर की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। आर की पहली वैल्यूज के लिए मैं एक दफ़ा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगी, और आर की दूसरी वैल्यू के लिए भी सॉल्व करूँगी। अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है, यहाँ पे मैं आर की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करूँगी के की भी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सीज। अब व्हेन सब्सटीट्यूटेड इन 7, द टू वैल्यूज ऑफ आर सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर की क्या वैल्यू आती है, 2/3, एंड आर टू की वैल्यू क्या आती है, 0। गिव टू डिफरेंशियल डिफरेंट रेफरेंस रिलेशन, आर इज इक्वल 2/3 के लिए रेफरेंस रिलेशन जो है ये वाला बन जाता है। ठीक है, ये आपने स्टार्ट में लिख लिया है, ठीक है, आर वन के लिए रेफरेंस रिलेशन आपके यहाँ ये वाला है, और आर टू के लिए रेफरेंस रिलेशन ये वाला है। फिर वहाँ से आप वैल्यूज को फाइंड आउट करना शुरू करें, C1, C0, C2, C2, से डिफरेंट वैल्यूज आपके पास जो है ना आना शुरू हो जाती है। देन विद द हेल्प ऑफ देम वी विल बी राइटिंग डाउन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड दे वुड बी ऑफ दिस काइंड। ठीक है, here we encounter something that didn't happen, we obtain the solution about the ordinary point, you have what looks to be two different set of coefficients but each set contains the same multiple of c naught, ka hamare paas dono c naught hai, we if we omit this term the series solutions are, ab hamare paas us term ko hum omit kar dein to baki hamare paas series solution jo hai wo kuch hamare paas
इस तरह का आ जाता है. दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस क्वेश्चंस के हमारे पास अगर इस तरह की वैल्यूज हैं, ये हमारे पास सी नॉट की जगह पे वन सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी ये टर्म्स इस तरह से. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस था, यू विल हैव टू नोट इट डाउन. सी नॉट सेम लग रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं सी एन की या रेकरेंस रिलेशन की वो डिफरेंट है. सो उनकी मदद से उन्होंने क्या किया, ये वैल्यूज लिख दी है. एक सोल्यूशन ये लिख दिया और दूसरा सोल्यूशन आपके पास ये वाला लिख दिया. सो दिस इज हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग एंड पीपल विल बी फाइंडिंग आउट द सोल्यूशंस. अब उसके बाद आती है बात इंडिशियल इक्वेशंस की. इक्वेशन सिक्स इज कॉल्ड द इंडिशियल इक्वेशन और मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली ऑफ द प्रॉब्लम आर वन इज इक्वल टू 2/3 एंड आर टू इज इक्वल टू आर कॉल्ड द इंडिशियल रूट्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ द सिंगुलरिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू जीरो डेफिनेटली सिंगुलर पॉइंट बनता है, तो उसके इंडिसेस रूट जो आते हैं वो आपके पास आर वन और आर टू आते हैं, उसकी वैल्यूज ये वाली थी. इन जनरली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वाई इज इक्वल टू एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन प्लस आर इन टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर एंड सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन इन टू द, ये हमारे पास अगर सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो ये आर वाली जो इक्वेशन होती है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. इन बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स रिजल्ट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स टू द जीरो. We solve for two values of r and substituting these values into a recurrence relation such as 7, theorem 6.2.1 guarantees at least one. एक solution तो इसका exist करेगा ही करेगा. अब यहाँ से हम कहते हैं कि it is possible to obtain the initial equation in advance by substituting cn into the differential equation. If x is equal to 0 is a singular point, then px हमारे पास क्या है x px and qx क्या है x is get qx. p and q are defined, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की बन रही होती है. खैर इसी चीज़ को आगे इस सीरीज में डिस्कस किया हुआ है 2x और यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट के x इज इक्वल टू जीरो. सो हमने इसको पहले चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर बनता है या रेगुलर. ठीक है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो रेगुलर सिंगुलर है. बट एनी हाउ फॉर आवर क्लैरिटी, जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है या जब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमने इसको पहले इंश्योर करना है कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है. उसके लिए दो कंडीशन है वो आपने इम्पोज करनी है, दैट देन यू पीपल वुड बी एबल टू फाइंड कि वो रेगुलर था या इरेगुलर. फिर आपने वही सब्स्टिट्यूशन की, दैट इज हाउ यू पीपल फॉर्म द सॉल्यूशन एंड दिस इज हाउ योर वैल्यूज कम. आर की दो वैल्यूज आएंगी, रेफरेंस रिलेशन ये बन रहा है. रेफरेंस रिलेशन को रीराइट करें तो वहाँ पे आर 1/2 के लिए आर की दो पहली वैल्यू के लिए ये रेफरेंस रिलेशन बनता है, आर की सेकेंड वैल्यू के लिए ये रेफरेंस रिलेशन बनता है. एंड विद द हेल्प ऑफ देम यू विल बी राइटिंग डाउन दीज. यहाँ से आपके पास आर 1/2 के लिए आपके पास कुछ इस तरह का सॉल्यूशन बन रहा है और आर 2 के लिए आपके पास जो है वो दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है. सो फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन. एनी हाउ थिंग्स आर लेंथी टुडे. चलिए ओनली वन सीरीज सॉल्यूशन, इसको भी वाइंड अप करते हैं डिस्कस करके ताकि हम अगले टॉपिक्स की तरफ जा सकें. इसलिए मैंने इस कॉन्टेंट को भी ऐड कर दिया है कि अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दूसरा हम कैसे लिखेंगे. ठीक है, उसके केसेस हमने आगे जाकर डिस्कस करने हैं. अब इक्वेशन है आपके पास एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. वहाँ से आपके पास एक्स पी एक्स क्या आता है जीरो और एंड एक्स स्क्वायर टू एक्स क्या आता है एक्स. द फैक्ट इज दैट जीरो एंड एक्स आर देयर ओन पावर सीरीज सेंटर्ड एट जीरो. वी कंक्लूड दैट ए नॉट आपके पास क्या आएगा जीरो एंड वी नॉट आपके पास क्या आएगा जीरो फ्रॉम द 14 आपको बुक में या पीछे स्लाइड में नजर आ रही होगी. द इक्वेशन इज आर माइनस आर r into r minus 1 is equal to 0, which you should verify that the two recurrence relation corresponding to the initial roots r1 and r2 yields exactly the same set of coefficients. In other words, in this case, the method of Frobenius जो है वो produce क्या करता है, सिर्फ एक series solution आपके पास आता है और series solution almost आपको इस तरह का कुछ इस differential equation के लिए ये वाला exist करता है. Now for the sake of the discussion, let's again suppose that x is equal to 0 is a regular singular point of the equation 1 and that the initial roots are r1 or r2 of the singularity. Singularity are real, वो real है, roots में वो real है. तो जो आपके पास method of Frobenius है वो आपको क्या कहते हैं, वो distinguish three cases corresponding to the nature of the initial roots r1 and r2. In the first two cases the सिंबल आर वन डिनोट्स द लार्जेस्ट ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूट. आर वन हमेशा बड़ा होगा और आर टू क्या होगा, वो छोटा होगा. इन द लास्ट केस द आर वन इज इक्वल आर टू. इसका मतलब है कि पहले दो केसेज में आर वन और आर टू दोनों डिस्टिंक्ट हैं और लास्ट केस में क्या है कि वो
सेम है। अब यहाँ पर R1 और R2 का केस बनाने के लिए ये बात थोड़ी सी ध्यान से समझ लीजिएगा। R1, if R1 and R2 are distinct and difference between R1 and R2 is not a positive number। देखिए आपने पहली दो एग्जाम्पल की, उसमें आपने देखा कि एक R इज इक्वल टू 0 था और दूसरा R इज इक्वल टू शायद 1/2 था या 2/3 था, तो वो कोई पॉजिटिव इंटीजर, उनका जो डिफरेंस था वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनता, वो कोई रैशनल नंबर बनता है, कोई डेसिमल पॉइंट बनता है, वो पूरा इंटीजर नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट ओनली टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वो हमने लिख दिए CN, पहला क्या होता है n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी CN x पावर r n प्लस R1, दूसरा सॉल्यूशन क्या है n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी BN x पावर n प्लस R2 दैट इज बी नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारी पिछली जो एग्जाम्पल सॉल्व की हैं, एग्जाम्पल 1 और 2 या 2 और 3 उसमें उन्होंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी अज्यूम द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज n, वी n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इन दिस केस द सेकंड सॉल्यूशन में कंटेन द लॉगरिथम, उसमें एल्गोरिथम आ जाता है, लॉगरिथम आ जाता है, ठीक है, वही जैसे हम पहले काम कर रहे थे। R1 एंड R2 टू डिस्टिंक्ट रूट्स आर डिस्टिंक्ट इंडिसेस हैं। R1 और R2 का जो डिफरेंस है, R1 वो कहते हैं हमेशा बड़ा लेना है, बड़े वाले को R1 कंसिडर करना, तो उनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव इंटीजर बनता है, जैसे भी प्रीवियस केस में था। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो पहला सॉल्यूशन हम लिखेंगे CN x पावर n प्लस R1 और दूसरा सॉल्यूशन हम लिखेंगे CY1 ln x प्लस y n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दूसरा सॉल्यूशन, ये सारे का कॉम्बिनेशन है। इन दिस केस वी डिडंट डिस्कस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, आपकी बुक्स में इसके ऊपर 2-3 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस है, थर्ड एडिशन यू विल हैव टू गो थ्रू देम। ओके, दिस इज फ्रॉम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी BN x पावर n R2 where c is a constant that could be 0. Finally, in the last case, अच्छा यहाँ से हमने दो सॉल्यूशन इस तरह के लिखने हैं, ये आपने याद करना है, जहन में रखना है, ठीक है, ये आपको कोई लिख के नहीं देगा। फाइनली इन द लास्ट केस व्हेन r इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 द सेकंड सॉल्यूशन विल ऑलवेज कंटेन द लॉगरिथम, दूसरा सॉल्यूशन कहते हैं हमेशा लॉगरिथम आएगा इसमें, और द सिचुएशन इज एनालॉगस टू द सिचुएशन ऑफ द कॉची ऑयलर इक्वेशन व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन वर रियल एंड इक्वल, वो आप देख चुके हैं। ये पहला सॉल्यूशन जो आपके पास आ गया CN x पावर r n प्लस R1, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास आता है Y1 ln x प्लस n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी BN n x पावर n प्लस R1। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, दिस इज हाउ यू विल डू द थिंग्स एंड योर यू कैन से द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अराउंड हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है और सीरीज सॉल्यूशन के डिफरेंट केसेस कैसे हो सकते हैं और उसमें चेंजेस क्या हैं, डिफरेंट उसके टेक्निकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे इन 2-3 लेक्चर्स में मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इसको थोड़ा सा पीसफुल माइंड के साथ सुने और समझने की कोशिश करें तो आपको ये कॉन्टेंट बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे, बिकॉज आई डिडंट लीव एनी लूप होल इन टू देम एंड आई थॉरली डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स विच वर ऑफ विच इम्पॉर्टेंस, ठीक है। फिर आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में यहाँ पर भी आपके सामने डाल देती हूँ, यू कैन चेक इट फ्रॉम योर बुक्स ऑफ द रिलेवेंट टॉपिक्स, सो प्लीज़ प्रैक्टिस द एक्सरसाइज एंड नाउ आई वुड बी टेकिंग द क्विज, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है और अब आप लोगों को ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जस्ट दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी रहती है, बेसेल एंड जेंडर, वो इन्हीं का एक स्पेशल टाइप है, इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की स्पेशल टाइप है, उसके ऊपर 2-3 स्लाइड्स में काम हो जाना है एंड आई विल बी सेंडिंग दोज एज वेल। तो आपने इस चैप्टर को मेरी तरफ से डन समझें, जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड यू कैन आंसर क्वेश्चन इफ यू फील द प्रॉब्लम, प्लीज डोंट लिंगर ऑन द थिंग्स सो वी कैन एंड विद एंड दिस सिलेबस इन टाइम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।